हेलो। तो कन्फ्यूज़न ये है सर कि क्या हम लोग फर्स्ट स्लॉट को अंडर एस्टिमेट करके डायरेक्टली सेकंड स्लॉट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? सर देखिए, मेन बात यह है कि आप उसमें कोई भी फॉर्म, मतलब जिसमें आप अप्लाई करेंगे तो सर यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को देखते हुए ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कहा आप जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्लॉट में स्किप करके सेकंड स्लॉट भर सकता हूँ, तो आप फर्स्ट स्लॉट छोड़ के सेकंड स्लॉट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी और सब कुछ, उनका मतलब वो फुलफिल होना चाहिए। तो आप सेकेंड फ्लोर भरते हैं तो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। सर मैं ठीक एक है एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज कि मेरे को BHU से BA करना है तो वन लैंग्वेज और GT से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है, तो हम लोग फर्स्ट स्लॉट में ही जाएंगे क्योंकि GT ओनली फर्स्ट स्लॉट में ही अवेलेबल है। लेकिन हमें अगर BSc करना है तो जैसा कि मैं BSc का अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलूं, तो इन्होंने कम्बिनेशन बना रखा है कि आपको सपोज कि BSc बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हो, ना ही लैंग्वेज चाहिए ना ही GT चाहिए। तो ये तीनों के तीनों डोमेन जो है वो हमारा सेकेंड स्लॉट में डायरेक्टली फिलअप हो सकता है। तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग दो दो डोमेन फर्स्ट स्लॉट में भर के फिर सेकेंड डोमेन एक एक डोमेन जो बचा हो सेकेंड स्लॉट में जाए, डायरेक्टली सेकेंड स्लॉट में ही फिलअप कर दे तीनों डोमेन, भाई बात ख़त्म हमारा। नहीं, मैं वही वही बोल रहा हूँ सर आपको कि ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आपको फर्स्ट फ्लोर भी भरना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप मतलब अप्लाई के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, उनका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये जो एग्ज़ाम डेट है थोड़ा सा वो भी कंफर्म करिएगा कि जो सेकेंड वीक फर्स्ट वीक आप जुलाई रखी गई है, तो ये क्या सेकेंड जुलाई फर्स्ट वीक मीन्स क्या मिड ऑफ द जुलाई मान के चले हम लोग? सर देखिए, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अभी तो डेट जो है, इसमें 1 मिनट, 1 मिनट सर, वो हाँ जी सर, सर अभी तो इसमें लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो अभी जो भी है सर, अभी देखिए इसके बारे में हमको कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी होगा वेबसाइट पे देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ श्योर सर। सर वेबसाइट पे एक आपको लास्ट सब कुछ क्वेश्चन और था सर। बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप करा तो उनसे गलती हो गई है, उन्होंने यूनिवर्सिटी कम चूज करा, तो किसी ने कोर्स गलत चूज कर लिया, किसी ने डोमेन सही नहीं चूज करा, तो क्या ये एडिट का ऑप्शन आएगा? कैसे फॉर्म इनका सही होगा? सर देखिए, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, करेक्शन का ऑप्शन तो आएगा, तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, करेक्शन का ऑप्शन भी आएगा। लेकिन सर उसमें क्या एडिटेबल है क्या एडिटेबल नहीं है, ये तो सर जब करेक्शन विंडो आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, तो अभी लास्ट डेट 6 मई है, तो मान के चलो कि हाँ करेक्शन हाँ तो डेट के ओवर होने के बाद ही आएगा, बीच में तो आएगा नहीं। अभी मीन्स हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा और क्या ना सर। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं अभी ये NTA में मैंने कॉल करा था इनके ऑफिशियल नंबर पे, कुछ इन्फॉर्मेशन के डाउट्स जो मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो आई होप कि इस क्लिपिंग को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात और मुझे आपको बतानी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो देखो यहाँ पे BHU पाठशाला पे आप जाके इतने सारे वीडियोज़ अभी अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके एकदम टाइटल से मैच करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि फॉर्म में गलती होने पे क्या करें, स्लॉट कैसे चूज करें इलाहाबाद BA के लिए, फिर देख लो पूरा डिटेलिंग अच्छे से करा गया है। तो आप लोग BHU पाठशाला पे जाके इन सभी वीडियोज़ को देखें जिससे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, नंबर यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये नंबर है, ये नंबर है 9519383272। इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बेशक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपडेट का लोचा मत लेना क्योंकि वो हमारे पे छोड़ दो, वो हम आपको अपडेट दे देंगे, बस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, और बेशक मुस्कुराना नहीं भूलना है। ओके, ऑल द बेस्ट।